हाँ, जब ये पंडित पितरों के नाम से पी सकते हैं, क्या तुम मेरे नाम से नहीं पी सकते? दोनों हाथों पर बैठे माला फेर के भी मने फेर के भी मन दी मैल ना गई वो क्या माला फेरी। ये रोज कीर्तन करते हैं। बोलो माला फेर के भी मन की मैल ना गई। माला का मतलब तुमको विषम, माला का मतलब पता है किसी को? हाथ खड़े करो किस किस को पता है। मैं बताता हूँ कौन कौन जाना चाहता, हाथ खड़े करो। जब बोलो माला, फिर बोलो, अब धीरे से बोलो माल। भाई हमारी बात तो माल माल अगर तुम्हें दिखाता है तुम्हारा तो बहुत रिश्ते प्रतिकूल देव भगवान हमारा तो यही चलता रहता है। पंडित का माला फेरू किसको फेरू, माला फेरू किसको फेरू, माला फेरू किसको फेरू। बाद में पहले एक चुटकुला याद आ गया, जाटनी थी जाटनी। गुरु जी से मंत्र ले आई, गुरु जी मंत्र दे दो। गुरु जी ने मंत्र दे दिया। बोले गुरु जी कितना जपना है? गुरु जी ने कहा 10 माला रोज। कितनी माला? 10 माला। जाटनी बड़ा नाद होके बैठी माला जपने। घर में बाजरा पड़ा था, बाजरा समझते? उसने सोचा दो काम इकट्ठे कर लेती हूँ, एक तो धूप में बाजरा सुखा देती हूँ और एक दोनों काम हो जाए। बाजरा धूप में सुखा दिया, गेट खुला था और आप बैठ गई। इतनी देर में गेट खुला था, एक बकरी अंदर घुस गई। कौन घुस गई? बकरी ने सोचा आज तो जाटनी माला फेर रही है, आज मौका बढ़िया खाया हुआ है।
अंदर आ गई बकरी चुपचाप धीरे धीरे, और जाकर बीच बीच में पानी आकर कोई नहीं आया, मैं देखूंगी तेन। माला जाट की माला भी जप रही, ध्यान बकरी पे भी। बकरी ने आके बाजरा खाना शुरू किया। बोलो जल्दी। अब जाटी ने सोचा दस माला तो करनी फटाफट, फटाफट दस माला पूरी की, बकरी बाजरा खाने में मत। जाटी उठी चुपचाप, अंदर इतना बड़ा मुसल पड़ा था, मुसल उठा के लाई, पीछे से गई चुपचाप चुपचाप बकरी के पीछे से गई, और मुसल उठा के बकरी की गर्दन पे जोर से मारा। मुसल बकरी की तो बेचारी की गर्दन गर्दन हिलाती हिलाती बकरी अपने घर आई। छोटे छोटे बच्चे थे बकरी के, बकरी कहती अपने बच्चों से कि मैं मरने वाली हूं। बच्चे बोले मम्मी जाते जाते कोई ज्ञान ले जा। बकरी के बच्चे बोले माता जी जाते जाते कोई। बकरी ने कहा बस मेरे पास एक ही ज्ञान है। क्या ज्ञान है? बकरी कहती दुनिया में सबका भरोसा करना, लेकिन जो माला लेके बैठा हो उसका बिल्कुल नहीं। दोनों हाथ पूछा माला फेर के भी मैं गई माला फेर माला फेर के भी मन की।
ਜਾਂ ਫਿਰ